समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव को बनाया गया। 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें फिरोजाबाद से अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। 2024 में तीसरी बार अक्षय यादव को ही समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और इस बार उनके साथ हैं शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि चाचा भतीजे में अब कोई मतभेद नहीं है। अक्षय यादव ने कहा कि विकास कार्यों के दम पर हम फिरोजाबाद से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष अभी तक अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर नहीं गया है। इस पर अक्षय यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि समय मिलेगा राम जी के दर्शन करने जाएंगे, तभी सारे लोग जाएंगे। आपको फिरोजाबाद से तीसरी बार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा विकास का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। जो नौजवान है उनको रोजगार मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो आदिवासी लोग हैं, जो इनको सम्मान मिलना चाहिए था। इनका जो आरक्षण है, जिसको धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करने का काम करा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, ये सारे मुद्दे जिनके को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। इस समय 22 तारीख के बाद एक राम लहर सी बना दी गई है, क्या चुनाव में ये इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। मुद्दा जो चुनाव है, चुनाव में जनता इसलिए चुनी जाती है कि जनता विकास का काम करे। जो सरकार बनी है जनता के लिए विकास का काम करे, और विकास के मुद्दों पर ही सरकार इनकी बनती रही पहले, और ये पूरी तरीके से फेल हो गए। हमने 10 साल भाजपा की सरकार देख चुके हैं, जनता भी देख चुकी है, उत्तर प्रदेश में 7 साल से है। इन्होंने पटियों का पटिए पर उद्घाटन करा है, शिलान्यासों का शिलान्यास और उद्घाटनों का उद्घाटन करा है। तो इस सरकार से किसी को उम्मीद नहीं, उम्मीद टूट चुकी है। इसलिए एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जनता, जो नौजवानों को नौकरी दे सके और गरीबी मिटा सके, महंगाई को कम कर सके। वैसे तो मेरा प्रश्न राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का है, लेकिन आप युवा हैं, सांसद रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी अभी समझौता हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने अकेले घोषणा कर दी है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने अकेले घोषणा कर दी है, भाजपा से लड़ने के लिए क्या इंडिया गठबंधन कैसे बिखर जाएगा? देखिए, मैं इतनी जानकारी तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब भी समझौता करा, दिल खोल के समझौता करा है, और क्या समझौता तय होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का काम हम लोग करेंगे। पहले भी जो जिम्मेदारी मिली उसको हमने निभाया और सफलता भी मिली है, और इस बार भी मेहनत करेंगे और सफलता पाने का काम करेंगे। अयोध्या आप कब जाने? अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर हम भी जाएंगे। थैंक यू।